हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के करीब 5:30 हो रहे हैं और आज आपको मेरे पीछे की लोकेशन कुछ अलग दिखाई दे रही होगी, क्योंकि कल मैं आ गई हूँ सोनप्रयाग दीदी के यहाँ। और कल हम त्रियुगी नारायण नहीं गए, कल हम यहीं रहे। यहाँ पे है दीदी लोगों का ढाबा और यहाँ सामने देखिए कितनी भयंकर लाइन लगी हुई है। ये देखिए, उस साइड देखिए कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। और ये लाइन ना सीतापुर से लगी हुई है और सामने ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे यहाँ तक लगी हुई है। ये देखिए धक्का मुक्की ना बहुत कर रहे हैं लोग। अभी तो अच्छे से लाइन लगी हुई थी, लेकिन अभी देखिए लाइन सारी तोड़ दी। यहाँ पे पंकज बोल रहा है ना, यात्रा बिल्कुल भी नहीं चल रही। ये क्या है फिर यहाँ तो देखने में इतने ज्यादा यात्री? अभी लाइन टूट गई थी, जो आते हैं ना किसान लोग उसी में घुस जाते हैं, उनको लाइन से कोई मतलब नहीं। अभी अच्छे से लाइन लगी हुई थी, अभी देखिए पूरी भागा दौड़ी हो गई। पुलिस वालों की भी सख्त ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन यात्री भी मानने को तैयार नहीं है ना। और उस साइड से देखिए पूरा ट्रैफिक भी लग गया है। सब सोच रहे हैं ना कि हम पहले जाएं, तो ऐसे कैसे होगा? अगर सब सोचने बैठ गए तो हो गया फिर। और यहाँ पे इस छोटे बच्चे को देखिए, मजे से खेल रहा है मिट्टी में, कोई मतलब नहीं है दुनिया से। यहाँ पे देखिए यात्री ना सफाई वाले से भी बहस करने लग गए, और सफाई वाले का कहना भी सही है, आप कूड़े के ऊपर खड़े हो कि उसने तो अपना काम करना ही है। यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी है ना, वो यात्रियों को निर्देश दे रहे हैं कि व्यवस्था बनाए रखें। जहाँ पे दीदी लोगों का ढाबा है ना, यहाँ पे धूप काफी देर में आती है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ हो गए चारों तरफ से, तो धूप तो देर में आएगी ही। और सामने वाली पहाड़ी पे तो आ गई है धूप, अब थोड़ी देर में यहाँ भी आ जाएगी। तो अभी मैं अपने लिए कैंटीन से चाय लेके आ गई हूँ, और यहाँ ना प्यारी सी धूप भी आ गई है, तो अब यहाँ की चाय टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। ठीक है, ठीक ठाक। और यहाँ पे मैं बाली भैया को बोल रही कि चाय में खाने के लिए कुछ आइटम दे दो। एक बन चाहिए, बन। बेकरी आइटम यहाँ नहीं है। कई लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि क्या आप प्रियंका तिवारी की सिस्टर हो, प्रियंका योगी तिवारी की? नहीं, मैं सिस्टर नहीं हूँ। ये हमको मंदिर से मिली थी। बड़ा मिलता है मंदिर से कि छोटा मिलता है मंदिर से? जो सबसे लास्ट में हुआ वो मंदिर से मिला। पहले हम इसको चिढ़ाते थे, भयंकर ही रोती थी सीधे। अभी भी रो जाएगी अगर बोलेंगे तू कहीं मिली तो बस। तो जो लोग मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, अगर वो इसको जानते हैं और मेरे को नहीं जानते, पहले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे को न जानते हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रियंका योगी तिवारी है वो मेरी सिस्टर है, और ये मुझे बहुत प्यार करती है, सिर्फ कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे मारती भी रहती है। तो अभी मैं दीदी के साथ दीदी की दुकान पे बैठ गई हूँ, और सुबह से मैं खा ही रही हूँ जो मन कर रहा मेरा खाने का। एक दो दिन ऐसे होता है दुकान में, जो फर्स्ट आता है ना, हाँ। जैसे हम है तो हम उतना नहीं खाते, जैसे मेरे को सेंटा फ्रेश चाहिए तो मैं सेंटा फ्रेश निकाल रही हूँ, टॉफी चाहिए तो टॉफी निकाल रही हूँ, और अभी ये निकाला है मैंने। तो कई पैसे तो नहीं लोगे आप? सब किताब चल रहा है, रजिस्टर में लिखा जा रहा है सब कुछ। यहाँ पे ये वाली जो ट्रॉफी है ना, इनको पहले हम बचपन में बहुत ज्यादा खाते थे, पहले ज्यादातर यही ट्रॉफी चलती थी, और इसको ना हम कागजी ट्रॉफी बोलते थे। तो थोड़ी देर में इस ट्रॉफी को भी खाऊंगी मैं। और बाली भैया यहाँ पे निराश होते हुए कि हमारी दुकान खाली कर दी आज। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बैग दे दो बाली। यहाँ पे अमन को देखिए कैसी जगह पे सो रखा था। अरे यार, आजकल सोने तक की जगह नहीं मिल रही कहीं। ठंडा तो नहीं लगा रात को? तो यहाँ पे दीदी लोगों के ढाबे के सामने ना ये कैंपिंग टेंट भी लगाए हुए हैं, तो ये भी इन्हीं के हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ कैंटीन में, क्योंकि काफी तेज भूख लग गई है, गरम गरम पराठे खाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म पराठे भी बनके तैयार हो गए हैं, अब गर्मा गर्म पराठे का आनंद लेते हैं। ये पुदीने की चटनी है? हाँ, ये पुदीने की चटनी है, अब देखती हूँ ट्राई करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो पराठा है ना वो काफी टेस्टी बना हुआ है, और जब भी आप केदारनाथ आए तो यहाँ पे पराठे खा के जरूर जाए। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे भी खा लिए हैं, और काफी टेस्टी पराठे बने हुए थे, मजा आ गया खा के। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद दीदी और मैं जा रहे हैं उधर सोनप्रयाग मार्केट में।
तो चलते हैं, आपको भी वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। और कल ना मैं वीडियो नहीं बना पाई, वैसे मेरे को यहाँ आने की वीडियो बनानी थी लेकिन सामान ज्यादा होने की वजह से ना मैं वीडियो नहीं बना पाई। यहाँ पे केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए पूरी सूचना दी गई है, तो आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर सकते हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ पे डोली और कंडी के रेट भी लिखे हुए हैं, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और सोनप्रयाग की जो पार्किंग है ना वो फुल हो रखी है, ये देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा भीड़ है। दीदी लोगों का जो ढाबा है ना वो सोनप्रयाग मार्केट से थोड़ा पहले पड़ता है, मतलब स्टार्टिंग में पड़ता है। यहाँ के ज्यादातर जो लोग हैं ना वो सब केदारनाथ यात्रा पर ही आश्रित हैं और सबके ना अपने अपने रोजगार खोल रखे हैं। और यहाँ बाहर से भी आए हुए हैं तो उनके भी अपने छोटे छोटे रोजगार खोल रखे हैं। एक बार तो लाइन खत्म हो गई थी लेकिन सोनप्रयाग में आते आते देखिए लाइन फिर से लगनी स्टार्ट हो गई। वीडियो में ये जो पहाड़ है ना ये काफी छोटे दिखाई दे रहे हैं लेकिन सामने से ना काफी बड़े बड़े पहाड़ हैं। और यहाँ पे ये मंदाकिनी नदी बहते हुए काफी सुंदर लग रही है। यहाँ से आप फिर से लाइन देख सकते हैं आगे तक कितनी ज्यादा लगी हुई है। जब यहाँ 2013 की आपदा आई थी ना तो उस टाइम पे जो जल स्तर है वो यहाँ ऊपर तक बढ़ गया था। अभी हम सोनप्रयाग से चलते चलते काफी दूर आ गए हैं और अब जा रहे हैं हम गोरी जीजू के ढाबे में, तो वहाँ पे भी चलते हैं क्योंकि मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम आ रही हूँ ऐसे सीजन के टाइम पे। तो अभी हम पहुँच गए हैं गोरी जीजू के ढाबे में और यहाँ पे गोरी जीजू बड़े व्यस्त हो रखे हैं। हेलो हेलो जीजू नमस्ते, कैसे हो, कैसे चल रही यात्रा? तो अभी हमने यहाँ पे गोरी जीजू को बोला कि हमारे लिए स्पेशल सी चाय बना दो, बन रही है चाय कि हम खाली बैठे हैं यहाँ। अब गोरी जीजू के हाथ की स्पेशल सी चाय पीते हैं। तो यहाँ पे गोरी जीजू ने हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब चाय का आनंद लेते हैं कैसी बनाई है गोरी जीजू ने। वाह चाय तो बड़ी टेस्टी बन रखी है। तो यहाँ पे हमारे जीजा जी भी बनाने लग गए हैं पराठे, हम भी करें आपकी हेल्प। एक बार हमको चाय पीने दो पहले। हम यहाँ दुकान में आए हैं तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं खाने के लिए क्योंकि हमारी दुकान है ये भी, मतलब मेरी। यूट्यूबर ने कहा लोगों की दुकान के लिए अपनी दुकान, वीडियो हो गया वायरल। जहाँ पे गोरी जीजू का ढाबा है ना वहाँ से नीचे देखिए एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है सोन नदी और उस साइड से बहती है मंदाकिनी नदी। यहाँ पे मतलब ये दोनों नदियाँ मिलती है। यहाँ पे देखिए गोरी जीजू की स्टाइल। तो जीजू आप चलते हैं ठीक है, हम क्या दे रहे हैं हमको यहाँ पे, जीजू हमको कुछ दे रहे हैं बेटा, किटकैट, थैंक यू सो मच आपका, जरूर आएंगे हम दोबारा, पर दोबारा पैसे देंगे हम ठीक है यहाँ पे। बाय बाय। कोई बात नहीं, अपनी दुकान है अपनी, मतलब तुम्हारी की मेरी? आपकी दुकान है हमारी है। ये मेरी दुकान है केदार घाटी में, मेरी आखिरी दुकान। चलो ठीक है बाय, मिलते हैं। तो अब आराम से किटकैट खा के जाते हैं सोनप्रयाग तक। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।